हुआ है, लेकिन फर्स्ट हाफ जो है जैसे ही स्टार्ट हुआ मूवी थोड़ा सा स्लो चला, थोड़ा सा मतलब एक्चुअली फर्स्ट हाफ में टोटल इंट्रोड्यूस चला, मतलब कौन कैरेक्टर में क्या है नहीं है ये सब कुछ चलते चलते पूरा टाइम निकल गया फर्स्ट हाफ पे। लेकिन जब सेकेंड हाफ हुआ, असली एक्शन तो उसी टाइम से शुरू हुआ जब सेकेंड पार्ट हुआ, और सबसे अच्छा था अमिताभ बच्चन सर का एंट्री और सेकेंड था प्रभास का एंट्री। सकते हो कि भगवान के साथ फ्यूचर मतलब रोबोटिक्स का लड़ाई, ये लेके बेसिकली थीम मेरे को जितना लगा कि भगवान के साथ रोबोट का लड़ाई, उसका ही जो मेन है वो कल की मूवी में दिखाया गया है। मानोगे नहीं, मैं अभी हॉलीडे में हूँ करके जो बंदा मॉर्निंग 7 बजे उठ जाता था, कभी कभार मॉर्निंग 5:30 बजे भी उठ जाता था, 4:30 को भी उठ जाता था, अभी आज मैं नींद से कितना बजे उठा मालूम है? 12 बजे। भाई मैं खुद को भी भरोसा नहीं दिला पा रहा हूँ कि 12 बजे मैं नींद से उठा। अभी 12 बजे उठने के बाद भी मेरे को भाई मतलब इतना सुस्ती लग रहा है, इतना सुस्ती लग रहा है कि और भी लगता है 1-2 घंटा सो जाऊं। लेकिन फिलहाल अभी उठना तो पड़ेगा, काम वाम करके खाना वाना खा लिया मैंने, क्योंकि आज हम लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं कल की, जो कि आज ही रिलीज हुआ है, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जा रहा हूं। बेसिकली हम लोगों के हिसाब से फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन अभी ऑलरेडी बहुत सारा थिएटर में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मॉर्निंग में ही हो चुका है, लेकिन हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं मूवी का स्क्रीनिंग अभी है, सो इसीलिए हम लोगों के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सो गाइज गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू नो मैट ट्रैवलर। सो मैं फिलहाल इस कैमरा को घर पे ही रख के जा रहा हूँ, इसको सोच रहा हूँ कि चार्ज पे रख के जाऊँ, और एक डाउट भी हो रहा है मेरे को कि कैमरा कैरी कर लूँ, एटलीस्ट बैग पे रख दूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मल्टीप्लेक्स पे मूवी देखने के लिए, और मल्टीप्लेक्स पे कभी भी ऐसा डेकोरेटेड कैमरा अलाउ नहीं कर। जितना मेरे को लग रहा है वहाँ पे लॉकर वगैरह तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कैमरा कैरी करूँ कि घर पे रख के जाऊँ। अगर घर पे भी रख के जाऊँगा तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फ़ोन यहाँ पे चार्ज हो रहा है जो कि 4K60 में वो भी वीडियो शूट करता है। सो मैं वही सोच रहा हूँ कि अपना फ़ोन ही कैरी कर लूँ सेफ साइड के। बाहर का वेदर देखो गाइस, कंटिन्यू बारिश हो रहा है, और मेरे को अभी कंटिन्यू गाली पड़ रहा है पीयू से। वो कंटिन्यू मेरे को एक ही चीज़ बोल रहा है कि तुम आज का डेट पे ही कैसे तुम टिकट बनाए। मैं बोला मैं टिकट बनाया 3-4 दिन पहले, और तभी मेरे को थोड़ी मालूम था कि ऐसा बारिश होने वाला है, कुछ भी होने वाला है। सो अभी बारिश हो रहा है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाइक छोड़ के हम लोग ऑटो वगैरह से निकल जाए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी जो बारिश हो रहा है रुकने वाला नहीं है, जैसा अंधेरा होके रखा है। सो सेफ साइड के लिए मैं ऑटो में ही निकल जाता हूँ। सो गाइज, मैं जब अंदमान से आया वो टाइम में मैं सोच के आया था कि बहुत सारा ड्रेस मैं लोगों को दे दूंगा, क्योंकि मेरे को फिट ही नहीं हो रहा था। अभी मेरे को पीयू बोला कि तुम एक बार ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो तुम्हारा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद से सभी बोल रहे हैं तुम दुबला हो चुके हो, फिट भी हो सकता है। भाई मैं कोशिश किया, सही बोलता हूँ, मेरा फिट हो गया, और ये मेरा सबसे पसंदीदा था ड्रेस ये वाला, क्योंकि ये मेरे को पीयू गिफ्ट किया था, और ये मेरा होता नहीं था करके मैं देने वाला था, लेकिन अभी देखता है मेरा आराम से फिट हो गया, और ये पैंट भी मेरा फिट हुआ कंफर्टेबली एकदम। सो मैं हो चुका हूँ रेडी, मैं बेसिकली ये जीन्स का टी शर्ट और यहाँ पे जीन्स पैंट, और पीयू ये वाला पहना बहुत दिन के बाद, ये वाला टी शर्ट पिंक कलर का और ये जीन्स। सो हम लोग जा रहे हैं अभी मूवी देखने के लिए, कैमरा को फिलहाल घर पे ही रख के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। टिकट बुक किया उस दिन तक तो कुछ बारिश वगैरह कुछ नहीं हुआ, आज जैसे मूवी देखने का टाइम आज ही बारिश हुआ, और बारिश देखो ना भाई कैसे बारिश हो रहा है। लास्ट में ऑटो में आना पड़ा हम दोनों को, तो टाइम से पहले पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी डर मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का है, जो कि मेरा हाथ में जो टैटू है उसमें पानी लग गया है, लेकिन वेजलिन डाल के मैं आया था तो थोड़ा स्लिप तो हो रहा है इसमें, लेकिन अभी पता नहीं कि कुछ बिगड़ ना जाए, क्योंकि सूट तो गया है। लास्ट में कॉल करके पूछा था जो बनाया है इसको, बोला कि अभी थोड़ा बहुत लगने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा लग जाएगा तो ही प्रॉब्लम है। हम लोग का शो जो है 3:45 का शो है, और अभी 3:20 हो रहा है, तो 20 मिनट अभी हाथ में है, मतलब एग्जैक्ट मेरा कैलकुलेशन अभी थोड़ा ठीक ठाक हुआ कि 2:30 को हम लोग घर से निकले, सो वहाँ पे ऑलमोस्ट 3:20 तक पहुँच गए, तो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ओके ही है।
लोग आए तब से खाली ऊपर ही उठे जा रहे हैं, ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं, अभी कितना और ऊपर जाना पड़ेगा पता नहीं। कंप्लीट मेरे को तो अच्छा ही लगा क्योंकि मेरे को मार्वल का मूवी अच्छा लगता है, तो ये एक्चुअली उसी टाइप का ही है, सो मेरे को अच्छा लगा। अभी व्यू को तो उतना खास तो नहीं लगा, वो बोलता है जिसको एक्शन पसंद है उसको ही आना है। सो मूवी देखने के बाद अभी जाएंगे हम लोग मैक्स पे शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आते हैं तो खरीदारी कर लेंगे। शॉपिंग हो गया है कम्प्लीट, वो खुद बोल के लेके आया मेरे को कि शॉपिंग करेगा करके, खुद खरीदा एक और मेरे को खरीद के दिया दो। ठीक है, जस्ट अभी घर पहुंचा, आज तो मैंने बस पे चढ़ा क्योंकि बहुत सालों बाद मैं कोलकाता का बस में चढ़ा, मेरा तो हालत ख़राब हो गया था, उल्टी होने वाला था मेरा, फिर भी चलो कोई भी हालत से ज़्यादा टाइम का नहीं था बस जर्नी, थोड़ा सा ही मतलब वही आधा घंटे का था, तो वो एडजस्टेबल हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अभी आते मूवी का रिव्यू के लिए, मूवी बेसिकली बहुत ही अच्छा हुआ है, एक मिनट कैमरा मतलब ये माइक को लगा, बेसिकली मूवी बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन फर्स्ट हाफ जो है जैसे ही स्टार्ट हुआ मूवी थोड़ा सा स्लो चला, थोड़ा सा मतलब एक्चुअली फर्स्ट हाफ में टोटल इंट्रोड्यूस चला, मतलब कौन कैरेक्टर में क्या है नहीं है ये सब कुछ चलते चलते पूरा टाइम निकल गया फर्स्ट हाफ पे, लेकिन जब सेकेंड हाफ हुआ असली एक्शन तो उसी टाइम से शुरू हुआ जब सेकेंड पार्ट हुआ, और सबसे अच्छा था अमिताभ बच्चन सर का एंट्री और सेकेंड था प्रभास का एंट्री, वो सही में बहुत ही अच्छा वाला था, क्योंकि प्रभास का एंट्री सबसे लास्ट होगा जब उसका पावर का मालूम पड़ेगा उसको, तो वो टाइम में एंट्री अलग लेवल का होगा। और ये जो है मतलब ये कल की मूवी जो है ये बेसिकली ये भी वो KGF ब्रह्मास्त्र ये टाइप का ही है, मतलब इसका भी सेकेंड पार्ट आएगा, एंड कुछ फ्रिक्शन फ्री मूवी तो है, फिर उसके साथ साथ हम लोगों का जो मतलब महाभारत के टाइम जो बच गया था ये गया था, फिर विष्णु का 10वां अवतार आने वाला है कल्कि ये वगैरह वो सब कुछ लेके मूवी है, मतलब आप सोच सकते हो कि भगवान के साथ फ्यूचर मतलब रोबोटिक्स का लड़ाई ये लेके बेसिकली थीम मेरे को जितना लगा कि भगवान के साथ रोबोट का लड़ाई उसका ही जो मेन है वो कल्कि मूवी में दिखाया गया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो ये सब के ऊपर बेस करके मूवी है। मेरे को तो बोलो तो मेरे को तो सही में बहुत अच्छा लगा मूवी, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो था लेकिन सेकेंड हाफ में पैसा वसूल कर दिया। शॉपिंग वगैरह तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, वो सब कुछ मैं कल दिखाने वाला हूँ, अभी मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अभी पूरा ड्रेन हो चुका हूँ, बेकार का कल खींच के लेके जाके फिर बनाना ये करना वो सब कुछ नहीं चाहिए फलाना ढिमकाना, तो अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ व्लॉग यहीं पे। अगर यहाँ तक अच्छा लगता है तो लाइक करो, और भी अच्छा लगता है तो शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगा तो लाइक, और भी अच्छा लगा तो शेयर करो, सही में जस्ट ये तीन चीज़ कर दो और कुछ नहीं चाहिए। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।